ठाकुर ब्रदर्स आयोजित भव्य दिव्य वानगांव प्रीमियर लीग सीजन टू का महासंग्राम चल रहा है। दूसरे दिन का खेल और दूसरे दिन के खेल में यह निर्णायक चौथा मुकाबला आज के इस नाइट का और निर्णायक मैच है। जयेश एलिवन बनाम ग्रास लायंस, इन दोनों टीम के विरुद्ध चल रहा ये मैच। तो देखना है इसके साथ ही सीधा रुक करते हैं अब मात्र इस मैच का, इस मुकाबले का। और दोनों टीम बिल्कुल तैयार है, खास करके जयेश एलिवन की टीम अभी तक इनके खाते में कोई जीत नहीं है और पहली जीत की तलाश में ये अब उतर रहे हैं। क्या दोनों टीम पहली जीत की तलाश कर रही है? ऐसे में दोनों टीम के लिए गुड लक। देखना है क्या होगा इस मैच का नतीजा, वो तो पूरे मैच के बाद पता चलेगा। लेकिन सीधा रुक करते हैं इसके साथ ही इस मुकाबले का। राहुल विकेट से साथ बबलू पहली गेंद लेकर बाहरी किनारे को लगा गेंद, बिल्कुल जिसको कहा जा सकता है कि थोड़ी सी दूर शॉर्ट थर्ड मैन के दिशा में पहुंचते हुए एक रन पूरा कर लिया। विकेट के पीछे बिल्कुल सैंडी नजर आ रहे हैं और बहुत अच्छी टीम तो है, लेकिन यहां पर पहली जीत की तलाश में दोनों टीम खेल रही है और दोनों टीम को पहली जीत की तलाश तो है। यहाँ एक रन अब तक मात्र विक्रांत और अनिकेत की जोड़ी है। अब मात्र अनिकेत स्ट्राइकर एंड पर पहुंचते हुए पहली बॉल पर सिंगल लिया था विक्रांत ने, जिसके कारण अनिकेत को स्ट्राइक मिले है। राहुल दास स्टाम्पसक पैरों पर गेंद थी, इस बार फ्लिक करना चाहते थे लेकिन गेंद लेग स्टाम्प के बाहर जाती हुई और हंपायर ने उसको वाइड घोषित कर लिया है। एक रन अतिरिक्त जिसको कहा जाना चाहिए, इस अतिरिक्त रन की मदद से ये दूसरा रन अब जोड़ा जा चुका है और नुकसान की बात करें तो कुल मिलाकर कोई भी नहीं है। और इसी के साथ कहते हैं ना कि यहाँ स्टार्ट अच्छा करना होगा, शुरुआत बेहतर करनी होगी और साझेदारियों को रचना पड़ेगा अगर एक अच्छा टोटल बनाना है। गुड शॉट नियंत्रित के साथ खेला गया, बेहतरीन टाइमिंग है, प्लेसमेंट भी बहुत गजब का देखने को मिल रहा है। इस बार पॉइंट और डीप कवर के बीच में से गेंद को खेल लिया था, शानदार संतुलन बना करके दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल दिया। रन संख्या इसी के साथ पहुंचती चार रन अब मात्र स्ट्राइक पर अभी भी नॉट आउट है अनिकेत, जो कि कुल दो रन पर वो नॉट आउट है और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और वो जानते हैं इसके साथ। ओ ये सीधा फील्डर के हाथों से गेंद छिटक गया, शॉर्ट मिड ऑफ पर खड़े थे फील्डर यदु, खड़े थे वहां पर लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटकती हुई और इसके साथ ही एक रन सा कुल मिलाकर यहां पर पूरा कर लिया गया दोनों बल्लेबाजों ने और स्कोर इसके साथ ही जा पहुंचा गए वो पांच रन पर। और इस ओवर की गेंदें खेली हैं वो तीन गेंदों का सामना किया जा चुका है, रोशनी काफी जबरदस्त है और बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये डे नाइट मुकाबले का बहुत ही जबरदस्त अंदाज। पैरों में थे इस बार, उड़ाकर खेलना चाहते थे, गेंद बैट की थोड़ी सी अंदरूनी किनारे पर लग गई और ऑन साइड में जहां फाइन लेग पर फील्डर तैनात है उस दिशा में चली गई जहां से एक रन जोड़ा गया। रन संख्या कुल छह रन पर अब नजर आ रही है और अब तक कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा संभल कर दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं। अतिरिक्त जोखिम भरे स्ट्रोक्स अभी तक देखने को नहीं मिलेंगे अगले गेंद के साथ। और बैटफुट पर से खेल लिया, अच्छी फील्डिंग रही इस बार और मिड ऑफ पर इस बार गेंद को निकलने नहीं दिया, गुड फील्ड। रन बनाने के इरादों को भी रोक लिया, रन बनाने की सोच को रोक लिया और इसके कारण कोई भी रन वहां पर नहीं कहा जा सकता। स्कोर अभी भी अटका है छह रन पर और आखिरी बॉल इस ओवर की बैटिंग पावर प्ले आप इस समय देख सकते हैं। ऑफ साइड में एक फील्डर जो है ना वो सीमा रेखा पर लगा रखा है और वो इस समय डीप बैकवर्ड पॉइंट से हटा करके इस समय मिड ऑफ की दिशा में उस फील्डर को रख लिया है, लेकिन उस मिड ऑफ फील्डर की दूर से गेंद निकल गई और फोर रन बाउंड्री लाइन के बाहर एक बाउंस के साथ निकलती हुई चार रन।
एक ओवर 10 रन, कोई नुकसान नहीं है और अच्छा स्टार्ट मिला है। ग्रास लायंस टीम की मौजूदा शुरुआत ठीक है और बिल्कुल वो चाहते हैं कि इस समय एक अच्छी साझेदारी रचे, क्योंकि 2 मैचों में हार गए, जबकि दूसरी तरफ यज्ञेश बोलिंग मार्ग पर अब मात्र बोलिंग करने के लिए। वो जानते हैं कि जोड़ी को तोड़ना होगा, साझेदारियों को तोड़ने की जरूरत तो है, लेकिन दूसरी तरफ ये साझेदारी ग्रांस एलिवंस की कितनी लंबी चलती है और कितनी अच्छी चलती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कितने रन बनेंगे ये सबसे बड़ा सवाल। वैसे भी इस ग्राउंड पर एक बार केवल 60 से अधिक रनों का जो लक्ष्य है वो चेस किया था, वो कल के दिन में एक बहुत ही रोमहर्षक मुकाबला, जिस टीम ने वो मैच जीता था वो टीम एसडीआर टीम ने वो मैच चेसिंग किया था, 77 रनों का लक्ष्य उन्होंने चेस किया था, वो अभी तक की चेसिंग में सबसे सफल टीम है इस प्रतियोगिता की। बैटफुट पर गए, सुंदरता के साथ गेंद को खेल लिया, ऑन साइड में गेंद पहुंचती हुई मिड ऑन के दिशा में, जहां से 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। रन संख्या 1 की मदद से अब मात्र 11 रन पर पहुंच रही है बिना किसी नुकसान के साथ। दोनों बल्लेबाज अभी भी नॉट आउट है और अच्छा स्कोर बनाने की उनकी जस्तोजहद देखने को मिल रही है। अगली गेंद राइट ओवर द विकेट, इनसाइड आउट मारना चाहते थे, बाहरी किनारे को लगकर शॉर्ट थर्ड मैन के दिशा में गेंद निकली, 1 रन वहां पर पूरा। इस 1 रन की मदद से रनों में थोड़ा सा बदलाव, 12 रन बगैर किसी नुकसान के साथ। कहते हैं ना कि आगाज अच्छा है तो उसका अंजाम भी अच्छा होता है, और खासकर अगर आप बड़ा टोटल बनाना चाहते हैं तो शुरुआती पावर प्ले के ओवरों में रन्स बनाने काफी जरूरी माने जाते हैं। और यहां बिल्कुल सोच सही गए, 6 रन, शानदार बल्ले के बीचों बीच गेंद लगती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, विक्रांत के बैट से शानदार छक्का। तीसरी गेंद पर छक्का लगा गया, विक्रांत अब मात्र थोड़ा खुलकर खेलने लग गए हैं। कहा जा सकता है कि शानदार बल्लेबाजी मिस्टर विक्रांत की अब दिखाई देती हुई अगली गेंद लेकर के इस ओवर में, और एक और प्रहार, बेहतरीन शॉटकार, कोई भी चांस नहीं है, मिड ऑन बॉडी लाइन के ऊपर से एक और छक्का, कमाई फायर। इस तीसरे मुकाबले में कहीं ना कहीं ये टीम जो है ना, खासकर विक्रांत, अब मात्र कहा जा सकता है कि मन बनाकर क्रीज में उतरेंगे, ये मानकर अब क्रीज में उतरेंगे, जिसको कहते हैं ना कि सपने वही सच होते हैं जिनमें जान होती है, पंखों से ज्यादा कुछ नहीं होता, हौसलों से और इरादों से ही उड़ान होती है। और यहाँ इस खिलाड़ी के हौसले फिलहाल काफी जबरदस्त नजर आ रहे हैं। एक और बाउंड्री, वन बाउंस गेंद बूढ़ी लाइन के बाहर निकल, समन्वय रमेश जी ठाकुर, प्रति षटकार के लिए ₹200 इनाम की घोषणा उन्होंने किया है, 9 बॉल की घोषणा भी बीच मैदान पर हम पार्स कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी ठाकुर साहब का। और ये 9 बॉल का डिसीजन आ रहा है इस बीच,
डीजे तो अपना डिसीजन इसके साथ ही 9 बॉल का है और 3 एक्स्ट्रा रन यानी कि पेनलाइज पेनल्टी के रन्स भी इसी के साथ आयोजकों के द्वारा ये घोषित किया गया और अब वो भी रन्स स्कोर बोर्ड पर जोड़े जाएंगे। तो टोटली जो रन संख्या है वो 32 की दिशा में प्रवेश करती हुई अब आपको दिखाई पड़ रही है। ओवर नंबर चल रहा है इस इनिंग का वो दूसरा ओवर है और इसके साथ ही अच्छी खासी रन संख्या ग्रास लायंस टीम की शुरुआत बहुत अच्छी रही है, कोई विकेट नहीं अभी तक गिरा और दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो अच्छी साझेदारी। अनिकेत फील्डिंग तुरंत ही सजाए और समय की बर्बादी करनी नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे मैच, ये चौथा मैच है, इसके बाद 6 मैच और आज के नाइट के बाकी है। आज के तब मात्र इसके साथ ही 2 गेंदें जो बची हैं इस ओवर की वो पूरी करेंगे। गेंदबाज से देखना पड़ेगा, फ्री हिट भी है इसी के साथ। एक मिनट फ्री हिट का इशारा मिलता हुआ इसके साथ ही रन की भी पेनल्टी 3 रनों की लगी है। कुल रनों की अगर बात करें तो इसके साथ 32 32 32 रन ये कुल रन की संख्या है और इस बार फ्री हिट है, कैच आउट का खतरा नहीं है और इसके साथ ही बॉल मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ₹200 इसी के साथ जीत लिए गए बल्लेबाज ने सामान्य रमेश जी ठाकुर साहब की तरफ से। प्रति षटकार के लिए ₹200 की घोषणा समन्वय रमेश जी ठाकुर साहब की तरफ से रखा गया है। प्रति षटकार ₹200 का इनाम इसी के साथ अगली गेंद लेकर के इस बार पटकी हुई गेंद बहुत सुंदर तरीके से बैकफुट पर से पॉइंट के नजदीक से खेल लिया गया, बढ़िया टाइमिंग है और गेंद टिप्पा खाने के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर भी निकल चुकी है। तो एक महंगा ओवर साबित होता हुआ ये दूसरा ओवर और इसी के साथ 2 ओवरों के खेल के समाप्ति पर रनों की संख्या 42 रन्स पर पहुंच रही है यानी 42 रन्स बिना किसी नुकसान के साथ ये जोड़ी ग्रांस लायंस टीम की बढ़िया खेली है और दोनों ने काफी अच्छे तरीके से बल्लेबाजी किया गया 42 रन पर बिगर किसी नुकसान के साथ। बिल्कुल जैसे कि इस प्रतियोगिता के रूल से ये सारे जितने भी बॉलर्स जितने भी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में खेल रहे हैं सभी के लिए इसी तरीके के रूल्स आपको बने रहेंगे बनाए गए हैं और खास करके दोबारा उस बॉलर को वीपीएल खास करके ये वीपीएल
ये सीजन, खाली ये सीजन, अगले सीजन में वो बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन इस सीजन में फिलहाल के लिए उनको बॉलिंग करने का चांसेस नहीं मिलेगा, ये सूचना। इसी के साथ रुक करते हैं अगले ओवर का। टीम मीटिंग लंबी ना करें, 30 मिनटों में आपको ओवर कंप्लीट करने हैं, और ये भी ध्यान रखें जयेश एलिवन टीम के कप्तान, इस बात पर भी ध्यान देना है कि समय को ध्यान में रखकर ओवर्स अपने कंप्लीट उनको करने गए, और इसके साथ ही देखना पड़ेगा बॉलिंग में परिवर्तन के तौर पर मानस नए गेंदबाज के तौर पर युवा खिलाड़ी गए, और खासकर वानगांव के इस प्रीमियर लीग में बहुत सारे युवा सितारे, बहुत सारे युवा खिलाड़ी निश्चित रूप से उभरते हुए स्टार बन सकते हैं। 42 रनों की संख्या। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण आयोजन कमेटी को, जिस तरह से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस बार सुंदर तरीके से खेल लिया, लेकिन गेंद मिस रीडिंग होती हुई चली गई है, और सीधे ये बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए एक और चौका बन गया। केवल 2 ओवर और 1 गेंद, ये अभी तक विश्लेषण रहा है, यानी 13 बॉल पर ये ग्रांस एलिवन टीम ने सिर्फ 13 बॉल पर ये 46 रन बनाए गए, बिना कोई विकेट गवा कर ये बनाए गए। इसमें कुछ अतिरिक्त रन भी शामिल नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, खासकर स्ट्राइकर बल्लेबाज विक्रांत की बैटिंग के सारे दर्शक कायल बन चुके हैं, और पूरी तरीके से दर्शक निश्चित रूप से उनकी जबरदस्त मनोरंजन करने वाली बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। YouTube से जुड़े हुए दर्शक भी इस समय रोमहर्षक और आक्रामक बल्लेबाजी, स्फुटक शैली के बल्लेबाज का खेल उनको काफी पसंद आ रहा होगा। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, थोड़ा सा ललचाते हुए बल्लेबाज को डिफेंसिव खेलने के लिए मजबूर कर दिया, 1 रन लेकर के चले गए। नॉन स्ट्राइकर एंड पर कुल रन की संख्या पहुंची है, इसके साथ ही 47 रन, 47 रन बिना किसी नुकसान के साथ तीसरा ओवर पारी का। क्रीज के कोने से दूर गेंद रहेगी, इस बार वाइट का भी इशारा है, अतिरिक्त रन भी होगी, और इस अतिरिक्त रन की मदद से 48 रन कुल रनों की संख्या है। तीसरे ओवर में गेंदे खेली गई वो मात्र सिर्फ 3, यानी 3 बॉल इस ओवर के अभी भी बाकी है, और क्या कमाल का अंदाज दिखाया गया दोनों बल्लेबाजों ने, कदमों का उपयोग एक बार फिर से सही आक्रामक सोच के साथ, यानी दोनों बल्लेबाज ये सोच लेकर के उतरे हैं ग्राउंड पर कि इस समय रन बनाने गए, जीत के बारे में सोचना गए। क्या इस बार सबसे बड़ा स्कोर, जिसको कहा जा सकता है कि इस प्रतियोगिता का बड़ा टारगेट, सबसे ज्यादा रनों का टारगेट भी खड़ा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल। रन संख्या अभी तक के लिए 49 रन गए, 49 रन गए, तीसरा ही ओवर चल रहा है। ओ, विक्रांत का टोटल 84 रन पर वो नॉट आउट है, और ये एक बार फिर शानदार स्ट्रोक, इस बार ये चौका लगा के शायद ऐसा लगता है, बिल्कुल 4 रन गए, ये 4 रन, तो रनों की संख्या इसके साथ ही बहुत तेजी से आगे बढ़ी हुई, 53 रन पर गए। आखिरी बॉल बाकी है तीसरे ओवर में, और रन संख्या 53 रन नजर आ रही है। वाइड बॉल, एक और रन मिलेगी, यानी कि इसके साथ ही 54 रन पर स्कोर जा पहुंचा। अभी भी तीसरे ओवर में 1 गेंद का खेल बरकरार है, यानी बाकी है, और इस जोड़ी ने अभी तक इस प्रतियोगिता के 3 ओवरों में सबसे तेज और सबसे ज्यादा रन बनाने का काम पहले विकेट के लिए हासिल किया है। ओ, इस बार बहुत बढ़िया तरीके से गेंद कनेक्ट हो गई है बल्ले से, और इसके साथ ही 4 रन विकेट के पीछे। एक लाजवाब गुड न्यूज है बैटिंग साइड वाली टीम के लिए, समन्वय रमेश जी ठाकुर साहब ने घोषणा किया है कि ये
छह ओवरों में अगर 100 रन का आंकड़ा छू लिया तो 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा बैटिंग साइड वाली टीम को। ये कुल मिलाकर 6 ओवरों में 100 रन पूरे करने गए। मित्रांनो, सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे कि गाड्या मात्र आपण रस्त्यातून साइडला लावायची आहेत, अन्यथा हवा मात्र काढली जाईल। ओ देखना गए इसके साथ एक, ओ इस बार क्या कनेक्शन उतना सही नहीं है, जी नहीं, फिर भी 4 रन मिल गए। रनों की संख्या इसके साथ ही इस चौथे ओवर की पहली बॉल पर भी बाउंड्री, 62 रन हो गए हैं। और यस, ग्रांस स्टेटर्स की तरफ से पप्पू भाई भी उनके साथ हैं। पप्पू भाई ने भी घोषणा किया है कि ये रमेश भाई और पप्पू भाई ने घोषित किया है कि अगर 100 रन का आंकड़ा छू भी लेती है, पार नहीं बल्कि छू लिया, यानी कि 100 रन भी पूरे हो गए तो 5,000 रुपए का पारितोषिक, 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा टीम को। चौंतीस रन बनाकर आउट हो गए। 11 गेंदों पर 34 रन बनाए, बहुत ही तेज स्फोटक पारी खेली और स्कोर जो गए अभी भी 62 रन पर कायम गए और ओवर नंबर चौथा चल रहा है। 62 रन कुल रनों की संख्या अभी तक जोड़ी जा चुकी है। इस ओवर में गेंदे खेली गई, कुल मिलाकर के सिर्फ मात्र 2 गेंदे चौथा ओवर पारी का चल रहा है। 62 एक विकेट के नुकसान पर राहुल द विकेट के साथ ही अगली गेंद लेकर के क्रिस के कोड़े के साथ सुंदरता के सहारे इस बार कट करना चाहते थे। बहुत अच्छी गेंद टिप्पा खाने के साथ थोड़ी बाहर की तरफ निकली और इस बार बल्लेबाज को छकाते हुए नए बल्लेबाज क्रिस पर पहुंचे गए। भागेश, चूंकि स्ट्राइक भी शायद उन्हीं के पास है और अगले गेंद का सामना करेंगे और रिवर्स स्वीप करने की कोशिश किया लेकिन बीट हो गए। बॉलर वापसी करते हुए नब नजर आ रहे हैं, जो रन तेजी से बन रहे थे कुछ देर के लिए उसको रोका गया। तारीफ करनी होगी गेंदबाज बबलू की, अच्छी गेंदबाजी करते हुए और एक तेज तरार चल रही पारी को थोड़ा बहुत खामोश करते नजर आ रहे हैं। ये चौथा ओवर है इस पारी का, सिर्फ 4 गेंदें फेंकी गई है, 2 गेंद अभी भी बाकी है। फील्डिंग में बदलाव करना चाहते हैं। इस समय डीप कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन पर सीमा रेखा पर रखा गया है। अगली गेंद राहुल द विकेट के साथ घूमते हुए पंजों के सहारे गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन इस बार गेंद टिप्पा काने के साथ थोड़ी बाहर की तरफ निकली स्विंग होकर के और जहां जिस गेंद को थर्डमैन से क्विट कर लिया, रन बनाने के इरादों को रोक लिया गया बगैर किसी रन के साथ स्कोर अटका गए 62 रन पर, 62 रन पर। और इस ओवर पर ये अब आखिरी बॉल इसके साथ ही यॉर्क लाइन की गेंद सुंदर तरीके से ड्राइव किया गया, इस बार 1 रन ले गए हैं और इस 1 रन के साथ ही 1 रन अब मात्र कुल रनों की संख्या पहुंचती हुई 63 रन। तो जिस तरह से घोषणा किया गया रमेश भाई ठाकुर साहब ने कि अगर ये 100 रन के आंकड़े को पार कर लेते हैं तो 5,000 रुपए का जो प्राइज है वो उनको दिया जा सकता है। इसके लिए 2 ओवर यहाँ से बाकी है, 12 गेंदे बची गए और उन 12 गेंदों पर बहुत सारे रन अभी बनाने गए लेकिन देखना पड़ेगा इस बीच के कनेक्शन क्या सही है या नहीं। और कमाल का कैच, मिस्टर सैंडी का बेहतरीन कैच, कमाल की फील्डिंग।
अमन के रूप में क्रीज में पहुंचते हुए 63 रन है। दूसरे विकेट के नुकसान पर पांचवा ओवर इस पारी का चल रहा है, जिसकी पहली बॉल पर सफलता हाथ लग गई पांचवे ओवर में। और इसके साथ आउट ऑफ द स्टंप दूर की गेंद, इस बार वाइड का इशारा, अंपायर का 64 रन। अब मात्र कुल रनों की संख्या दिखाई पड़ रही है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कुछ देर के लिए गेंदबाजी ने अच्छा काम किया है। पहले दो ओवरों में जिस तरह से रन बने थे तीन ओवरों में, उसके बाद कुछ देर के लिए रनों को रोका गया। ये बिल्कुल एक बार फिर चांस बना था कैच लेने का, लेकिन वो कैच ड्रॉप हो गया। इस बार शॉर्ट कवर रीजन पर फिर खड़े फील्डर से मिसरीडिंग हो गई, जीवन दान कहा जा सकता है। इसी के साथ एक रन जरूर इस गेंद पर पूरा, तो स्कोर गए इसके साथ ही 66 रन। और इसी के साथ कुछ और रन मिलेंगे, सेकंड रन के लिए कोशिश इस बार खतरनाक साबित हो सकते थे, हालांकि सुरक्षित रहेंगे। 67 रनों की संख्या अब नजर आ रही है, पांचवा ओवर पारी का चल रहा है और अभी भी इस पांचवे ओवर में कुछ गेंदें बची हुई है। कुल तीन गेंदें इस इनिंग में, बल्कि इस ओवर में बाकी है। ओवर द विकेट कदमों का हल्का उपयोग किया, लेकिन एक बार फिर गेंद थोड़ी सी दूर निकलती हुई, अंपायर लगातार वाइट के इशारे करते हुए इसके साथ अतिरिक्त रन ये, और इस अतिरिक्त की मदद से कुल रनों की संख्या में थोड़ा सा और इजाफा 68 रन, कुल रन की संख्या अब नजर आ रही है। एक तरफ सैंडी फील्डिंग में बदलाव चाहते हैं, थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी, विकेट कीपर के पीछे, फाइन लेग पर भी एक खिलाड़ी विकेट कीपर के ठीक पीछे लगा रखा है। एक बार फिर उसी दिशा में बॉल गई, कमर के दिशा में, और एक बार फिर हल्की सी गफलत हो गई फील्डर से, लेकिन इस बार भी दो रन मिल सकते हैं। और इन दो रन के साथ ही जो बात करें ना, तो 70 रन इसके साथ ही जोड़े जा चुके हैं। पांच ओवर 70 रन के आंकड़े को अब छू लिया गया, और यहां अभी भी दो गेंदें बाकी है इस पांचवें ओवर में, यानी कि यहां से 8 गेंदें बाकी है, और क्या यहां से 30 रन बनाएंगे, ये बड़ा सवाल। ओ बिल्कुल, 7 गेंदें बाकी हैं 100 रन का आंकड़ा पूरा करने के लिए, जहां से 30 रन कम से कम और बनाने होंगे अगर ये 100 रन का आंकड़ा पार करना है तो, कहा जा सकता है 7 गेंदें केवल बचेगी, क्योंकि ये पांचवे ओवर के आखिरी बॉल अभी बाकी है। 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद के साथ। एक बार फिर अतिरिक्त रन, विकेट जरूर शायद मिली है ऐसा लग रहा है, लेकिन वाइड की रन इसके साथ ही ये मिल रही है और अतिरिक्त रन वाइड के रूप में, तो 71 रन। एक बॉल बाकी है इस सातवें, बल्कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पांचवें ओवर का ये आखिरी बॉल बाकी है, उसके बाद एक ओवर बाकी है, यानी 7 गेंदें अभी भी शेष है और 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर ग्रास लायंस टीम के खाते में ये रन संख्या है। एक अच्छी रन संख्या उन्होंने अभी तक जोड़ा है। अगली गेंद फिर से थोड़ी दूर की गेंदें देखना पड़ेगा और इसके साथ ही फिर से एक बार फिर वाइड का इशारा अंपायर का, यानी एक और अतिरिक्त रन इस ओवर में, 72 कुल रन की संख्या हो गई 3 विकेट के नुकसान पर। और इस
पांचवें ओवर के अभी भी एक गेंद जो बची हुई है ना वो करना बाकी है। लगातार दूसरी वाइट चली गई है। एक बार फिर सामने वाले छोर से रैटम उहर्द विकेट लेकर के अगली गेंद, फिर से उसी दिशा में गेंद, लेकिन इस बार देखना पड़ेगा क्या सही गेंद साबित होगी। और इसके साथ ये इस बार सही गेंद यानी कि ओवर की भी, इसके साथ ही पांच ओवरों के समाप्ति की घोषणा हो रही है। तो पांच ओवरों में रन संख्या की बात करें 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसके साथ ही देखना पड़ेगा आखिरी ओवर अभी बाकी है और इस अंतिम ओवर में क्या कुछ कहानियां घटेगी। ओवर द विकेट लेकर फुल टॉस बॉल गए, कनेक्शन ठीक नहीं गए, उठाकर मारना चाहते थे पोलो थ्रो में, बेहतरीन एफर्ट लगाकर पकड़ लिया गया कैच, अद्भुत कैच कहा जा सकता है। चौथे विकेट का पतन हो गया, 4 विकेट 72 रन। जय हनी सिंगर बहत्तर पर 4 विकेटों का नुकसान, यानी अंतिम ओवर्स काफी शानदार रहे हैं। खासकर जयेश इलेवन के गेंदबाजों की अगर बात करें तो आखिरी के ओवरों में उन्होंने विकेट्स हासिल किए गए, जिसके कारण हालांकि फिर भी रनों की संख्या कम मानी नहीं जा सकती, बहुत अच्छा टारगेट अभी तक नजर आ रहा है। रैटम ओवर द विकेट लेकर के फुल टॉट पर ले गया, करारा प्रहार माना जा सकता है, ताकत के साथ खेला लेकिन मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर बेहतरीन फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा। इस एक की मदद से अब 73 रन 4 विकेट पर 73 रन बन चुके हैं और इस आखिरी ओवर में अभी भी कुल मिलाकर के 4 बॉल का खेल बचा हुआ है, 4 बॉल इस इनिंग के बाकी है। सामने वाले छोर से कहा जा सकता है अगली गेंद हल्की सी पटकी हुई गेंद दूर निकल रही है, वाइड बहुत सारे रन इस मुकाबले में देखा जाए तो जयेश इलेवन ने अतिरिक्त रन भरपूर खर्चे गए इसमें, बिल्कुल कहा जा सकता है कि खासकर वाइट के बहुत सारे रन इस पारी में देखने को मिलेंगे, कुल 9 रन ये अतिरिक्त रन गए। एक बार फिर से इस बार शायद कैच हो सकता है, ओ फिर से छूटा, यानी 1 रन और हो सकता है और इसके साथ ही वापस चले अपने बोलिंग मार्क पर बोलर इस 1 रन की मदद से। नेक्स्ट मैच भी अब देखना पड़ेगा, 5वां मैच एमएसके वॉरियर्स बनाम एनवीएमसीसी वानगांव, ये दोनों टीमें तैयार रहेंगी। इनिंग ब्रेक के बाद दोनों टीम के कैप्टन्स तुरंत ही टॉस बॉक्स के साथ संपर्क करें टॉस करने के लिए, यानी इस ओवर के समाप्ति के साथ ही टॉस होगा इनिंग ब्रेक के बाद नेक्स्ट मुकाबले का। रन संख्या कुल पहुंच रही है 75 रन 75 रन पर। एक बार फिर अगली गेंद लेकर के खूबसूरती के साथ इस समय गेंद को पुल कर दिया गया, कोई भी नजदीक फील्डर नहीं गए, स्क्वायर लेग दूर से आकर के जब तक कि रोक कर गेंद को फीट करेंगे, बहुत बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार तालमेल नजर आ रही है और इसके साथ ही रन आउट के रूप में 5वां विकेट तो जा रहा है, लेकिन नमस्कार। तो अगला मैच होगा एमएसके वॉरियर्स बनाम एनवीएमसीसी
वानगांव के विरुद्ध ये अगला मैच होगा, नेक्स्ट मुकाबला होगा। इसके साथ ही देखना है सेकेंड रन के लिए कोशिश फिर से रन आउट हो गए, यानी एक रन कम से कम जोड़ लिया तो टोटल रन संख्या बनी है 78, 78 रन। बहुत बड़ा शानदार टारगेट इस समय कहा जा सकता है। चेसिंग होगा अब मात्र 79 रनों का, ये चेसिंग स्कोर जयेश इलेवन टीम को चेस करना पड़ेगा। एमएसके वॉरियर्स बनाम एनवीएम सीसी वानगाव, हा दोन संघांच्या कर्णधारांनी टॉस अडियायचा टॉस बॉक्स मध्ये। मी विनंती करेन सन्माननीय आदरणीय सुनील चव्हाण साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या सुबह असते टॉस करण आहे। मी चव्हाण साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या सुबह असते टॉस करण आहे। एका बाजूने आपण पाहतोय सत्यम ठाकूर संघाचे कर्णधार, तर दुसऱ्या बाजूने आपण पाहतोय सरांना, तर नक्कीच एमएसके वॉरियर्स टॉस जिंकलाय काय घेणार, कारण समोरची टीम देखील कालच्या मॅच मध्ये सत्यम ठाकूर यांनी शेवटच्या क्षणाला अफलातून बॅटिंग करून दोन षटकार मारून सामना चेस करून घेतला होता, तर अशा टीम बरोबर आपण प्रथम नाणेफेक जिंकून काय घेणार। तर प्रथम नाणेफेक आम्ही जिंकून क्षेत्ररक्षण करणार आहोत आणि समोरच्या टीमला फलंदाजीसाठी आमंत्रित करणार आहोत। खरोखरच तुम्ही सांगितलं की काल दोन षटकार मारून मॅच जिंकवली, आमच्यावर त्यांचं प्रेशर असणारच आहे आणि जास्तीत जास्त धावा न करता कमी धावांमध्ये कसं त्यांना रोखता येईल याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत आणि त्यांना आम्ही फलंदाजीसाठी आमंत्रित करत आहोत। नक्कीच तुमच्या टीमच्या प्रदर्शनाविषयी तुमचं काय मत आहे? लगातार दोन मॅचेस तुम्ही जिंकलेत आणि खूप चांगल्या रिदममध्ये संघ पूर्ण खेळताना आपण पाहतोय। खरोखरच टीम चांगली रिदम मध्ये आहे, आम्ही एका फुलाप्रमाणे एकत्र आहोत आणि टीमचं ट्युनिंग चांगलं जमलेलं आहे। पहिल्या मॅच मध्ये आम्ही 77 रन केले आणि समोरच्या टीमला 30 रनाने हरवलं, दुसऱ्या मॅच मध्ये आम्ही 74 रन चेस केले। खरोखरच चेसिंग मध्ये पण आणि डिफीट करण्यामध्ये पण आम्ही जरा पुढे होतो, तर खूप आनंदाची गोष्ट आहे आणि तोच आमचा परफॉर्मन्स आज सुद्धा पुढे नेण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे आणि समोरच्या एनव्हीएम टीमला जो तेवढाच दुर्लभळ आहे तेवढाच ताकदवर आहे आणि त्याला सुद्धा आम्ही शुभेच्छा देतो आणि हा सामना चांगला होईल आणि प्रेक्षकांना त्याचा खरोखर आनंद घेता येईल असा सामना निश्चितच आपल्याला पाहायला मिळेल। धन्यवाद तुम्हाला शुभेच्छा मॅच साठी। खास करून सत्यम मी विचारेन की आता देखील तुम्हाला चेसिंग करायचंय, काल ज्या पद्धतीने तुम्ही चेसिंग केली तर आता तुला पहिली बॅटिंग करायची होती का ठीक आहे चेसिंग बरोबर आहे? नाही, आमच्या पण असंच ठरलं होतं की जर टॉस आमच्या आम्ही जिंकलो असतो तर आम्ही फिल्डिंग घेतली असती, पण आता आमची बॅटिंग आहे तर आमचे एक टार्गेट असेल, कारण मास्तर आहे त्याच्यात, मग तो आपला निलेश आहे, शिवम आहे, चांगले बॉलर्स आहेत, तर आमच्या 73 कमीत कमी आमचा टार्गेट झाला पाहिजे जेणेकरून एक रिस्पेक्टेबल टोटल असेल यांच्या बॅटिंग लाईनअपला। बाकी बॉलिंग काल आमची चांगली पडली होती सेकंड मॅचमध्ये, बॉलर लोकांचा एक कमबॅक झालेला आहे तो पण एक प्लस पॉईंट आहे आमच्याकडे। पण टीम कसं असते हे दोन सामने जिंकत आहेत लागोपाठ, तर ते मास्टर लोक त्या रिदममध्ये आहेत एमएसके वॉरियर्स आणि आम्ही पहिला सामना अतिशय जास्त रन देऊन हरलो होतो पण दुसरा कमी रन देऊन जिंकलोय, तर आमच्या पण टीम कॉम्बिनेशनचा बॅलन्स थोडा आमच्या एक पॉझिटिव्हिटीकडनं आला, एक थोडा सुधरलाय, तर हा सामना असा आहे की इथून दोन्ही टीमच्या कसं काय पहिल्या दिवसामधला एक ट्युनिंग आहे तो समजेल, चांगला सामना आहे। नक्कीच नक्कीच, म्हणजे कुठेतरी तुमचा हे आत्मविश्वास थोडासा वाढलाय, गुड लक तुम्हाला की ह्या मॅच साठी शुभेच्छा। ओ यस, पहिल्याच बॉलला षटकार आलाय। ओ यस, इसके साथ ही सँडी वानगाव के हीरो जिनको कहा जाता है, शानदार बल्लेबाज वानगाव का टाइगर जिसको कहा जाता है, और ये
हमें भी मालूम है विक्रमगढ़ तालुके में इनकी बेखौफ बल्लेबाजी। करीब 8 वर्ष पहले इन्होंने लगातार 5 टूर्नामेंट जीतने का भी एक शानदार रिकॉर्ड वानगांव डेंजर्स टीम के नाम से इस बार व्हाइट बॉल गए वानगांव डेंजर्स टीम के नाम से वहां टीम खेल रही थी और उसने लगातार 5 टूर्नामेंट जीते थे। इस बार खुल टाट पर लिया सुंदर तरीके से गेंद को खेल लिया कि गेंद पहुंचती हुई बिल्कुल कहा जा सकता है कि डीप मिडऑफ की दिशा में 1 रन के लिए और इस 1 रन की मदद से कुल रन की संख्या 8 रन पर जा पहुंची गए। अभी तक केवल 2 गेंद का सामना किया गया सैंडी नोन स्ट्राइकर एंड पर अब नजर आएंगे स्ट्राइक पर अमय सामना करने के लिए जबकि गेंदबाजी करने के लिए ग्रांस 11 टीम के बॉलर भागेश अपने बॉलिंग मार्ग पर बॉलिंग करने के लिए बिल्कुल सज्ज होते हुए इसी के साथ ओपेरो में गेंद लेकिन बहुत बढ़िया कनेक्शन रोक नहीं पाएंगे बॉडी लाइन के बाहर 4 रन। ऑन साइड ला जी टीम आहे बाउंड्री पासून 2 फूट थोडीशी मागे बसायचं आहे विनंती असेल 12 रन और क्या ताबडतोड़ शुरुआत मिली है। इसके साथ ही अपील को स्वीकार लिया गया विकेट मिल गई है रिवर्स मारने चले गए थे और इस जोड़ी को तोड़ दिया गया है लेकिन ये मैच दोस्तों कहीं मत जाइए बहुत ही रोमांचक मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। तो बिल्कुल वानगांव प्रीमियर लीग का ये अद्भुत नजारा अद्भुत अंदाज कहीं मत जाइए रोम हर्षक रोमांचकारी और नेत्र दीपक प्रतियोगिता इस समय चल जो रही है उसका आश्रय जाता है आयोजनकर्ताओं को और एक बार फिर ठाकुर ब्रदर्स आयोजित भव्य दिव्य वानगांव प्रीमियर लीग का ये अद्भुत नजारा सीजन 2 का नजारा आप देख रहे हैं। आज के दिन का 4th मैच कांटे की टक्कर जिसको कहा जाता है कांटे की टकरार जिसको कहा जाता है और कश्मकश का मुकाबला जिसको कहा जाता है कहते हैं ना कि जैसे को तैसा मिला तो बड़ा मजा आया और फिलहाल दोनों टीम बिल्कुल उसी सोच के साथ खेल रही है। करारा प्रहार एक्सलेंट टाइमिंग कोई भी चांस नहीं है गेंद निकलती हुई कवर बॉडी लाइन के बाहर 4 रन के लिए। दोनों टीम अभी तक जीती नहीं है और इसीलिए इतना आक्रामक होकर खेल रही है क्योंकि देखा जाए ना तो पहले दोनों मुकाबले दोनों टीम ने हारे गए और इस बार हर हाल में जीतना चाहते हैं और ये साफ अब दिखाई पड़ रहा है जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रहा है जिस तरह से चेहरे के हाव भाव शरीर के हाव भाव नजर आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि दोनों टीमें कितनी उत्सुक है जीतने के लिए और दोनों टीम कितनी कोशिश कर रही है जीत के लिए। हालांकि जीत हार तो सिक्के के 2 पहलू माने जाते हैं लेकिन यहां पर ओवर के समाप्ति कुल मिलाकर 17 रन पहले ओवर में 1 विकेट के नुकसान के साथ निश्चित रूप से आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर पहले इनिंग का हाइलाइट्स भी देख सकते हैं पाटिल नेटवर्क का चैनल पर यूट्यूब चैनल पर निश्चित रूप से लाइव टेलीकास्ट इस प्रतियोगिता का हो रहा है शानदार क्लेरिटी के साथ जबरदस्त अंदाज के साथ आप इस प्रतियोगिता का हाइलाइट भी खास करके इस मैच का जो पहला इनिंग था उसका देख सकते हैं जहां काफी शानदार बल्लेबाजी रही थी लेकिन इस इनिंग में भी 17 रन बने गए पहले ओवर में लेकिन देखना है गेंदबाजी मोर्चे पर अब मात्र बदलाव करते हुए 03 नंबर के जर्सी के साथ विक्रांत देखना है क्या इस जोड़ी को तोड़ेंगे या ऐसा नहीं होगा राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर और ही बस का कोशिश किया इस बार गेंद नहीं लगी बल्ले पर 34 रन बनाए थे जब बल्लेबाजी करने उतरे थे और सिर्फ 11 गेंदों का सामना किया था और वो बॉलिंग कर रहे थे निश्चित रूप से इस मुकाबले में जबरदस्त बैटिंग किया था लेकिन बॉलिंग मार्ग पर ओवर द विकेट लेकर पैरों में यार कराने की कोशिश की है क्या खतरा बनेगा जी नहीं सुरक्षित रहेंगे कोई खतरा नहीं है अगर सीधा थ्रो स्टंप पर लगता तो कुछ देर के लिए जिसको कहा जा सकता है कि फिलहाल बात करें तो गलत नहीं होगा कि ये मुकाबला जो है ना दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है
एक तरफ जयेश एलिवन की टीम बिल्कुल हार मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए ग्रास लायंस की टीम भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो भी जी जान लगा रहे हैं। और जब दोनों टीम इस तरह का प्रदर्शन करती है ना, तो नतीजा जो भी हो खेल प्रेमियों को उसका मजा जरूर आता है। रन संख्या कुल मिलाकर देखी जाए तो 18 रन पर। इस तरीके के मुकाबले प्रेक्षकों के लिए निश्चित रूप से काफी शानदार और यादगार बन जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और YouTube से जुड़े हुए दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही ओवर द विकेट लेकर के अगली गेंद, कदमों का उपयोग मिस्टर सैंडी ने किया जरूर, लेकिन बैट के बीचों बीच गेंद नहीं लगी, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर चली गई थी। इस बीच एक रन दौड़कर पूरा कर लिया, रन की संख्या में बदलाव होता हुआ 19 रन दूसरा ओवर चल रहा है एक विकेट के नुकसान पर, और टारगेट कुल मिलाकर के 79 रनों का है। और ऐसे में दूसरा ओवर पारी का चल रहा है, चार बॉल खेली जा चुकी है एक विकेट के साथ। अगली गेंद फ्लिक, व्हाट अ लवली टाइमिंग, एक बार फिर बहुत ही खूबसूरती के साथ इस यॉर्क लेंथ की गेंद को फ्लिक किया था, कलाइयों को मोड़ते हुए ऑन साइड में एक रन ले गए। ये जोड़ी थोड़ा सा ठहर कर खेल रही है और बॉलर की भी तारीफ करनी होगी कि बड़े स्ट्रोक्स से बचाने में वो कामयाब रहे हैं। स्कोर की बात करें तो इस समय 20 रन कुल मिलाकर जोड़े जा चुके हैं। आखिरी बॉल इस ओवर में बीट हो गए हवा में, कवर की दिशा में मारने के इरादे जरूर दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन वो इरादे फिलहाल के लिए रोके गए हैं और ओवर की समाप्ति हो गई। इसके साथ ही दो ओवरों के समाप्ति पर 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। और 24 बॉल और लगभग मात्र 59 रन की आवश्यकता, 24 गेंदों पर 59 रन चाहिए। उल्टी गिनती शुरू जिसको कहा जाता है, पहली जीत की तलाश कर रही है दोनों टीम। और जैसा कि वो जानते हैं कि अगर इस प्रतियोगिता में बने रहना है, वानगांव प्रीमियर लीग में अपने आप को लीग प्रतियोगिता में बनाकर रखना है, तो मैच जीतने काफी जरूरी है, मुकाबले जीतने काफी जरूरी है, क्योंकि जीत का खाता अभी तक दोनों टीम का खुला नहीं है। इसलिए दोनों टीम ज्यादा आक्रामक होकर खेल रही है। एक तरफ ग्रास लायंस की टीम ने पहली बैटिंग करके शानदार रन बनाए और दूसरी तरफ जवाब में पहले ओवर में बिल्कुल रन 17 बने, लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर में शानदार बॉलिंग रही जिसमें 3 रन खर्चे, तो बराबर की जो कहा जा सकता है कि बराबरी का मुकाबला चल रहा है, जिसको कहते हैं ना कि ईट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश दोनों टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज करते हुए। ओवर द विकेट हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की, बाहरी किनारे को टकराती हुई गेंद चली गई पॉइंट की दिशा में, एक रन बना और इस एक रन की मदद से कुल रन की संख्या में परिवर्तन के तौर पर अब 21 रन पर गए। गेंदबाजी मोर्चे पर अनिकेत अब आ गए हैं, उनको मालूम है कि सामने वानगांव का टाइगर जिसको कहा जाता है वो अभी भी नॉट आउट है, और निश्चित रूप से जयेश एलिवन की दिल और धड़कन कहे जा सकते हैं कि अगर जयेश एलिवन को जीतना है तो ये दिल और धड़कन चलनी जरूरी है। फिलहाल देखना है यहां पर क्या होगा, विकेट जी नहीं, नॉट आउट की घोषणा अंपायर के द्वारा, यानी सुरक्षित रहेंगे, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। संख्या के साथ ही पहुंचती हुई 22 रन एक विकेट के नुकसान पर। ऐसे मैचेस यादगार बन जाते हैं और ऐसे मैचेस निश्चित रूप से दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। ये है टेनिस बॉल क्रिकेट का अद्भुत नजारा, क्यों ना हो जब आयोजन इतना जबरदस्त हो, नियोजन इतना जबरदस्त हो। एक बार फिर से ठाकुर परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं, लाख लाख शुभकामनाएं तमाम टेनिस बॉल क्रिकेट प्रेमियों की तरफ से, शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का। राइट अप ओवर द विकेट, यॉर्कर बिल्कुल सदी हुई गेंद जिसको कहा जाता है, एक रन मिलेगा जरूर, लेकिन एक रन के साथ, हर रन के साथ, हर बीती गेंद के साथ दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। रन संख्या के साथ ही कुल पहुंच रही है 23 रन, 23 रन पर पहुंच गई है। 3 बॉल अभी भी इस ओवर में, तीसरे ओवर की बाकी है और बहुत बढ़िया बॉलिंग मानी जा सकती है। 3 बॉल 3 सिंगल अनिकेत ने, वैसे भी सैंडी स्ट्राइकर एंड पर पहुंचते हुए। अगली गेंद, ओ माय गॉड, स्टाइलिश सिक्सर,
स्टाइलिश छक्का सैंडी के बैट से, वाह। थैंक यू, धन्यवाद डीजे, वाह। स्टाइलिश सिक्सर जिसको कहा जा सकता है, रन संख्या इसी के साथ पहुंचती हुई 29 रन पर। हम चर्चा कर रहे थे कि जयेश एलिवन टीम की दिल और धड़कन गई है, और इस धड़कन को अगर नहीं रोका तो लेने के देने पड़ सकते हैं एक और छक्का। आउटस्टैंडिंग बैटिंग मिस्टर सैंडी की, डेंजरस बल्लेबाजी। अब मात्र दोनों कैमरामैन डबल एंगल के साथ भी इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। रन संख्या 35 रन पर पहुंच गई है, और निश्चित रूप से क्या आज होगा इतिहास, रन संख्या हैट्रिक पर गए, षटकार हैट्रिक क्या हो सकती है सैंडी की या नहीं होगा। ओवर द विकेट तक उठाकर मारना चाहते थे बल्ले की, तोड़ा निचले भाग पर लगी गेंद ऑन साइड में चली गई है, जहां मिड ऑन से बॉल को फीड कर लिया। एक रन पानी की मांग हो रही है बीच मैदान पर, वॉलंटियर्स पानी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही 36 रन 3 ओवरों की समाप्ति एक विकेट के नुकसान के साथ। सात गेंदों पर 22 रन बनाकर सैंडी नॉट आउट है, स्ट्राइक उनके पास है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रांस लायंस टीम के कप्तान ने बड़े गेंदबाज को मोर्चे पर लगाया है, विक्रांत को लगाया है, और इसका क्या लाभ मिलेगा देखना पड़ेगा। बिल्कुल हम चर्चा कर रहे थे कि बड़े बॉलर को लेकर आए गए, बहुत बड़ी सफलता। ये गई क्रिकेट की जादू, टेनिस बॉल क्रिकेट की कहानी, और वानगांव प्रीमियर लीग की अद्भुत नजारे। और 43 रनों का अभी भी अंतर बाकी है। क्या इसके साथ ही जयेश एलिवन की टीम पहले जीत की तलाश को पूरा कर लेगी, या ग्रास लायंस की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करेगी। 17 गेंदों पर 43 रन चाहिए, और ऐसे में पहली बॉल बैट के बीचों बीच लग गई है, 6 रन छक्का। धन्यवाद डीजे।
16 गेंदों पर 37 रनों का अंतर गए और वो बल्लेबाज क्रीज पर गए जिन्होंने पहले सीजन में वानगांव प्रीमियर लीग के पहले सीजन में 4 बॉल पर 4 छक्के मारकर मैच को जीता था। क्या वो दोबारा कारनामा कर पाएंगे या उनकी बल्ले की धार को रोकेंगे गेंदबाज? क्या गेंदबाज निश्चित रूप से इनका विकेट लेकर मैच की रोमांचकारी क्षणों को और ज्यादा पुख्ता करेंगे? फिलहाल देखना है, 1 रन जोड़ा गया है यानी कि अंतर अब घटकर 36 रन का बचा गए। 15 गेंदे 36 रनों का जरूरत है और पूरी तरीके से दर्शक अभी भी सारी तेज निगाहों के साथ ग्राउंड की तरफ इस रोमहर्षक मुकाबले का आनंद उठाते हुए दोनों टीम पहले जीत की तलाश में इस वानगांव प्रीमियर लीग में। राइटम ओवर द विकेट, इस बार गेंद हवा में चली गई है, टाइमिंग खास तो नहीं है। ओ वाह, क्या बात है, तालियों की गड़गड़ाहट होगी जरूर। मुश्किल कैच को आसान बनाया, बहुत बढ़िया कैच। तो 14 गेंदे बाकी गए, 36 रनों की जरूरत है और इसके साथ ही अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट, लेग स्टंप पर और इसका नतीजा 6 रनों में निकल गया। क्या बात है, ये कभी मैच इस तरफ, कभी मुकाबला उस तरफ, जिसको कहा जा सकता है 2 विकेट आउट हो गए तो पता कि क्लास लायंस की टीम वापसी करेगी, लेकिन अभी ये सिक्सर एक बार फिर से। पुष्पा नाम सुनके फ्लावर्स गेंदों पर 30 रनों की जरूरत, क्या बात है। थैंक यू, धन्यवाद। 13 गेंदे और अब अंतर जो है ना वो 30 रनों का है, क्या बात है। कभी इस तरफ कभी उस तरफ इस तरह का मुकाबला गए, एक बार फिर खेला गए बिल मिसाल, एक और छक्का। यहां से अब मात्र 12 गेंदों पर 24 रनों का अंतर बचा गए और ये अंतर अगर पार करती है जयेश 11 की टीम तो कहा जा सकता है कि इस प्रतियोगिता का सबसे हाईएस्ट रन संख्या चेस करने वाली टीम बन सकती है। लेकिन क्या बॉलर्स ऐसा होने नहीं देंगे, क्या बॉलर्स ऐसा करने नहीं देंगे? इसके साथ ही इस बार ये हवा में बॉल चला गया है, देखना पड़ेगा इसी के साथ 1 रन हो सकता है या दूसरा रन, देखना है। कुल दो रन इसके साथ ही कंप्लीट पूरे, यानी कि यहां से अब अंतर थोड़ा और कम होता हुआ और इसी के साथ देखना है ओवर की अगली गेंद लेकर के ओवर द विकेट से ये गेंद बॉलर के ठीक नजदीक से खेला गए, ऑन साइड में लॉन्ग ऑफ दिशा में बॉल जाती हुई, 1 रन कंप्लीट पूरा, 1 रन पूरा। 10 गेंदों हो पर अब चाहिए 10 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत, काफी नाजुक मोड पर मैच खड़ा गए।
ऐसे मौके पर खड़ा गए कि कोई भी टीम हार सकती है, कोई भी टीम जीत सकती है। जब इस तरीके की सिचुएशन होते हैं ना, तो समर्थकों में भी बड़ा जबरदस्त वातावरण नजर आता है। रेटम ओवर द विकेट लेकर के ये गेंद ऑन साइड में खेल लिया, फ्लिक करते हुए बढ़िया तरीके से देखना पड़ेगा। इस बीच एक रन दूसरे रन के लिए निकलते हुए दूसरा रन भी जोड़ लिया गया है। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 9 गेंदों का खेल यहां से बाकी बचेगा और जरूरत होगी 19 रनों की जरूरत है 9 गेंदों पर। अब तो कहा जा सकता है कि राहत की सांस ले नहीं सकते तमाम जो जुड़े हुए दर्शक है यूट्यूब के साथ और इस मैदान के साथ। सभी को मालूम है कि ऐसे मौके पर यह मुकाबला खड़ा है। रेटम ओवर द विकेट, इस बार देखना पड़ेगा। गेंद मिस होती हुई बल्लेबाज से विकेट कीपर ने बचा लिया। बचेंगी गेंद यहां से 8 रनों की जरूरत है। 19 रन चाहिए 8 गेंदों पर। पहली जीत की तलाश दोनों टीमें कर रही है। ग्रांस लायंस बनाम जैश 11 के विरुद्ध चल रहा ये जबरदस्त मुकाबला, कश्मकश का मुकाबला। रेटम ओवर द विकेट के साथ ऑन साइड में प्रहार करना चाहते थे। 1 रन बनेगी सेकेंड रन के लिए। देखना है इस बार, अपील जरूर कर रहे हैं अभी तक, लेकिन क्या होगा डिसीजन? ओ, इसके साथ ही ये दूसरा रन पूरा, यानी कि 17 रनों की जरूरत। 17 रन चाहिए, 7 गेंदों पर 17 रनों की आवश्यकता। वाह, दिलचस्प प्रतियोगिता का दिलचस्प अंदाज। वानगांव प्रतियोगिता, वानगांव प्रीमियर लीग का जबरदस्त बेमिसाल रंग रूप, और जिसको कहते हैं ना कि ये प्रतियोगिता इस गांव का अभिमान है, इस गांव का सम्मान है। और एक बार फिर से आयोजकों को बहुत बड़ा धन्यवाद। इसी के साथ रेटम ओवर द विकेट लेकर के विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद निकलती हुई 1 रन जोड़ी है। 1 रन जोड़ी जरूर है, 1 ओवर आगे बचेगा और रनों का जो अंतर है वो बड़ा जबरदस्त अब दिखाई देता हुआ। 16 रन चाहिए 1 ओवर में। क्या ऐतिहासिक रन चेस होगा या नहीं होगा? पानी की व्यवस्था करें ग्राउंड पर। देखना है किस तरह का अंदाज होगा। 16 रन चाहिए 1 ओवर। पूरी सहबेस मलम किस्ती सहबेस तो 1 ओवर 16 रन चाहिए। तमाम दर्शकों से खचाखच भरा गए स्टेडियम, ये ग्राउंड वानगांव का सम्मान, वानगांव का अभिमान जिसको कहा जाता है, वानगांव क्रिकेट का पहचान जिसको कहा जाता है ये प्रतियोगिता। और ठाकुर ब्रदर्स आयोजित भव्य दिव्य वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 का महासंग्राम, निर्णायक मुकाबला। 16 रन चाहिए 1 ओवर में। देखना है क्या होगा। रेटम ओवर द विकेट के साथ पहली गेंद। ओ, फील्डर तो है लेकिन ये कमाल का शॉट माना जा सकता है। 1 रन पूरी दूसरे के लिए पलटते हुए, वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 2 रन बन गए, 14 रनों का अंतर बचेगा। 5 गेंदों पर चाहिए 14 रन। क्या बात है। डीजे ऑपरेटर,
थोड़ा सा आवाज वाढवायचा आहे, देखना पड़ेगा क्या कुछ हो सकता है। बहुत बेहतरीन अंदाज इस मुकाबले का, हवा में गेंद और ये मिस फील्डिंग, ओ देखना पड़ेगा, दो रन बन गए हैं। और अब यहां से जिसको कहा जा सकता है कि 14 रन चाहिए, जीत और हार के बीच का अंतर अब घट 12 रन का गए, बल्कि 12 रनों का अंतर अब मात्र चार गेंदें और जीत और हारने के बीच में अंतर जो है ना वो कुल मिलाकर 12 रनों का, क्या बात है, 12 रनों की जरूरत। इस तरीके के मैचेस यादगार बनते गए, दर्शकों के दिलों दिमाग पर छा जाते हैं और खेल प्रेमियों के मन में घर कर जाते हैं, निश्चित रूप से यादगार बन जाते हैं। रेटम ओवर द विकेट लेकर के किनारा लग गया और बहुत बड़ी सफलता ग्रास लायंस टीम के हाथ लगी गए, बेहतरीन विकेट, ओ यादगार विकेट। महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। तो अब यहां से अंतर जैसा कि आप जानते हैं, तीन गेंदों हो पर 12 रनों का अंतर अभी भी कायम है। जैश 11 की टीम इस मुकाबले को क्या जीत लेगी या बचाने में कामयाब होंगे बोलर्स ग्रास लायंस टीम के, तीन बॉल और 12 रनों की जरूरत है। टेनिस बॉल क्रिकेट के इतिहास का शानदार मुकाबला, वानगांव क्रिकेट इतिहास का शानदार मुकाबला, इस समय अपील हो रही है और इस अपील का देखना है क्या लीग भाई का इशारा, और एक रन बन गया यानी दो गेंदे बचेंगी और जहां अब अंतर होगा 11 रन का, 11 रन चाहिए दो गेंदों हो पर। स्ट्राइक पर वो बल्लेबाज है जिन्होंने पिछले साल इसी लीग में इसी टूर्नामेंट में इसी मैदान पर चार बॉल पर चार छक्के मारकर मुकाबले को जीतवाया था, क्या एक बार फिर उस कहानी को दोहरा पाएंगे या बॉलर ग्रास लायंस टीम के इस मैच को बचाकर पहली जीत हासिल करेंगे। आइए देखते हैं रैटम ओवर द विकेट, फुल टॉच, ओहो हो हो छक्का, जोर का झटका है बाहरों से लगा हां लगा, ओह माय गॉड छाती बन गई और गेंद की सजा, हां सजा बॉल पांच रन, ये है वो पार्टी जान की प्यासी, छाती से ऊपर बन गई वो पार्टी, लाखों दुखों की होती है ये, एक बॉल पांच रन की जरूरत है। इतिहास इस बात की गवाही देगा कि जब जब इस ग्राउंड पर मैचेस होंगे तब तक इस मैदान पर और इस मैच की यादें तमाम दर्शकों के मन में रहेगी। एक बॉल पांच रनों की जरूरत, ओवर द विकेट, ओहो इंटरेस्टिंग मैच का इंटरेस्टिंग नतीजा, ग्रांस लायंस टीम ने मुकाबले को जीता, बोलर्स ने बचाए रन, जयेश ने ये रन बचाए, वाह क्या बात है, ओ माय गॉड, अभिनंदन विजेता संघाच, हरलेला संघाच की गोड कौतुक, व्हाट अ लवली मैच, क्या बात है। चला पुढील मॅच असेल, नेक्स्ट मुकाबला